माय डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू बलाबली वर्ल्ड विथ अनदर पीसफुल एंड वंडरफुल टॉपिक दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, राइट। तो आप जानते हैं कि अपना बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, इसमें दो किडनी प्रेजेंट रहता है, ठीक। और किडनी फंक्शन किस तरह से रेगुलेट होता है अपना बॉडी में, ये आज का लेक्चर में हमको जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी। और किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड है, आपको पता है इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी हमेशा क्या करता है, बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करते रहता है, ठीक है, साफ करते रहता है, ब्लड को हमेशा साफ करते रहता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड में क्या होता है, टॉक्सिक एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है बताओ, एक्सक्रीटरी मटेरियल जमा होता है, और ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को क्या करता है, किडनी फिल्टर करके, ब्लड से साफ करके कन्वर्ट कर देता है, किसमें, यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, और बॉडी का जो एक्सक्रीटरी टॉक्सिक एक्सक्रीटरी मटेरियल वो यूरिन के साथ बॉडी के बाहर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये है किडनी का नॉर्मल फंक्शन, दैट्स मीन किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रिएशन, ठीक। अब और एक बात आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, यूरिन को बनाता है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। क्या बताओ बेटा, नेफ्रॉन जो है किडनी का, वो क्या करता है, यूरिन को एक्चुअली प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और यूरिन में सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है, टॉक्सिक जहरीला एक्सक्रीटरी मटेरियल, उसको क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, भर देता है, और यूरिन के थ्रू ये क्या होता है, बॉडी से बाहर चला देता है। तो किडनी जितना अच्छा काम करेगा, ब्लड उतना अच्छे से फिल्टर होगा, ब्लड उतना अच्छे से क्या होगा, मतलब प्यूरिटी मेंटेन होगा ब्लड का, ठीक है। तो बॉडी उतना ही फ्रेश रहेगा, अच्छा फ्रेश रहेगा, जितना अच्छा एक्सक्रेशन होगा उतना अच्छा बॉडी अपना क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, ठीक। तो आप जान चुके हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। और एक किडनी में करीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन रहता है, ठीक है। 1 किडनी बी आर हाउ मेनी नेफ्रॉन बेटा, 1 मिलियन नेफ्रॉन, मीन 10 लाख, ठीक है। अब देखिए, ये जो किडनी का फंक्शन, ये रेगुलेट करता है 3 प्रोसेस। पहला वाला जो प्रोसेस है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन इज रेगुलेट बाय एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कौन रेगुलेट करता है बेटा, ए डी एच, मीन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का और एक नाम है, जिसका नाम है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा किडनी का फंक्शन और रेगुलेट करता है कौन बताइए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर, जक्स्टा ग्लोमे रूलर एपर्चर, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर, जिसका एब्रिविएशन क्या है, जे जी ए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर। ये क्या है, क्या चीज है, मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर बना दूंगा आपके लिए, डोंट वरी, ठीक है, पहले मेरे ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। अब देखिए, तीसरा जो फैक्टर या हार्मोन किडनी को रेगुलेट करता है, वो है आपका एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, ANF, ठीक। तो ये जो 3 हार्मोन है, ठीक है, 3 जो यहाँ पर पॉइंट बताया, ये क्या करता है, अपना बॉडी का जो किडनी फंक्शन वो रेगुलेट करता है। पहले तो है किडनी फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। सेकंड, किडनी फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर और JGA। एंड थर्ड वन इज एट्रियल नेट्री
यूरेटिक फैक्टर, राइट। तो सबसे पहले हमको जानना है किसके बारे में, बताइए कि हाउ एंटी डायूरेटिक हार्मोन रेगुलेट आवर किडनी फंक्शन, ठीक है। तो ये एक्चुअली किसके ऊपर काम करेगा, क्योंकि किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन है बताइए, नेफ्रॉन, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी किसके ऊपर काम करेगा, ये नेफ्रॉन के ऊपर काम करेगा। बट एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। एमसीक्यू, ठीक। अभी आपको ये बात मैं क्लियर करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नेफ्रॉन का डायग्राम आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नेफ्रॉन का जो पार्ट है यहाँ पर, ये कैप्सूल शेपेड, कप शेपेड, इसका नाम है बाउमेन कैप्सूल। क्या नाम है बेटा? बाउमेन कैप्सूल, ठीक। और बाउमेन कैप्सूल के अंदर कौन एंटर होता है बताइए, आपको मालूम होगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में ये मैंने अच्छे से आपको बताया था। बाउमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होता है एफरेंट आर्टेरियोल, इसका नाम है एफरेंट आर्टेरियोल। और एफरेंट आर्टेरियोल बाउमेन कैप्सूल के अंदर आके बनाता है ग्लोमेरुलस, और बाद में यहाँ से निकल जाता है कौन बताइए, इफरेंट आर्टेरियोल। तो ये निकल के चला गया इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। और एक मुद्दा का बात यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि ये जो एफरेंट आर्टेरियोल, ये किडनी के पास मीन नेफ्रॉन के पास क्या लेके आता है, लेके आता है ब्लड। क्या लेके आता है बेटा? ब्लड लेके आता है। और इफरेंट आर्टेरियोल वही ब्लड को क्या है, किडनी से बाहर लेके जाता है, ठीक है। तो ब्लड जब एफरेंट आर्टेरियोल से कहाँ पर आता है बताओ, ग्लोमेरुलस में आता है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन यहाँ पर क्या होता है, हो जाता है, ठीक है। तो इस घटना को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड का ये जगह पे बाउमेन कैप्सूल विथ ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होके ये क्या होता है, ब्लड फिल्टर होके ये जगह पे क्या बनता है बताइए, ये जगह पे ब्लड फिल्टर होके बनता है फिल्ट्रेट। क्या बनता है बेटा? फिल टी आर ए टी ई, फिल्ट्रेट बनता है। और ये फिल्ट्रेट ये जो नेफ्रॉन के थ्रू बार बार प्रोसेस होके अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है यूरिन में, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये बाउमेन कैप्सूल के बाद ये जो नेफ्रॉन का नेक्स्ट पार्ट है, हाईली कॉइल एंड ट्यूबुलर पार्ट, ये पार्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते बेटा? ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद यहाँ पर ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट इज कन्वर्ट इनटू यू शेपेड लूप ऑफ हेनले। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? यू शेपेड लूप ऑफ हेनले में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर यू शेपेड स्ट्रक्चर बनाया, ये लूप ऑफ हेनले, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अब लूप ऑफ हेनले बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? ये हाईली कॉइल एंड ट्यूबुलर पार्ट, इसका नाम क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसका नाम कौन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगेन ब्रांच इनटू, कन्वर्ट इनटू कलेक्टिंग डक्ट। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? ये कलेक्टिंग डक्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने बताया था कि ब्लड को नेफ्रॉन फिल्टर करके क्या बनाया था, फिल्ट्रेट बनाया था। तो ये फिल्ट्रेट बाद में बाउमेन कैप्सूल से, बाउमेन कैप्सूल से ये एंटर करता है कहाँ पर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये फिल्ट्रेट प्रोसेस होके कहाँ पर आ जाता है, ये आ जाता है लूप ऑफ हेनले में, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से ये फिल्ट्रेट कहाँ पर चला जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होके ये कहाँ पर चला जाता है, अल्टीमेटली जाता है कहाँ पर बताइए, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ट दिस फिल्ट्रेट इनटू द यूरिन। किसमें कन्वर्ट कर देता है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से जब निकलेगा तब इसको हम फिल्ट्रेट नहीं बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे हम यूरिन, राइट। तो ये यूरिन बनाने का काम कौन करता है, अपना किडनी, यही किडनी का फंक्शन है। तो ये फंक्शन रेगुलेट कौन कौन करता है आपको पता है, बट यहाँ पर अपना
टॉपिक क्या था कि एंटी डायरेटिक हॉर्मोन एक्ट ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो आप ये याद रखना, फर्स्ट एमसीक्यू आपका ये जो है एंटी डायरेटिक हॉर्मोन एक्ट ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये बात आप याद रखना। अब हम देखेंगे हाउ एंटी डायरेटिक हॉर्मोन एक्ट ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट एंड हाउ रेगुलेट द फंक्शन ऑफ किडनी, राइट। तो ये पार्ट आप कॉपी कर लीजिए, मैं आगे के जो जानकारी है वो आपको सोल्यूशन भेजता, राइट। तो अब मैं आपको ये जो पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये पार्ट को जूम करके आपको दिखाने वाला हूँ कि एंटी डायरेटिक हार्मोन किस तरह से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। तो देखिए बेटा, कौन सा कंडीशन में एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है और इसका काम क्या है, ये जानकारी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये देना चाहिए, ठीक है। तो मानिए ये किडनी है अपना, और मानिए कि ये आपका किडनी है, ठीक है, या मेरा किडनी कंसीडर कीजिए, आपका किडनी। तो अब क्या किया आपने, बहुत ही कड़क धूप में, ठीक है, ये सन है, ठीक है। तो बहुत ही कड़क धूप में आप क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो अभी जब घूम रहा है, ये तो डायरेक्ट मैं सन लाइट किडनी के ऊपर देखा है, पर ऐसा नहीं डायरेक्ट किडनी के ऊपर नहीं गिरता, आपका बॉडी के ऊपर गिर रहा है, और बॉडी के ऊपर अगर कड़क धूप गिरता है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट आपका बॉडी के ऊपर करता है और वो काम हैंडल कौन करता है, किडनी करता है, ठीक है। अब कड़क धूप में अगर घूम रहा है तो आपको ऑब्वियसली क्या लगेगा, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगा, बॉडी का वाटर लॉस होने लगेगा धूप के वजह से, ठीक है, पसीना आने लगेगा, तो पसीना के साथ क्या जाएगा, पानी चला जाएगा। तो आवर ब्यूटिफुल किडनी, दिस कंडीशन, दिस वाटर ट्रेस इज मेंटेन बाई आवर ब्यूटिफुल किडनी। किडनी ट्राई टू कंजर्व इन दिस कंडीशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। किडनी क्या करेगा इस समय, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करेगा, ये कंजर्व करने का कोशिश करेगा। और इस समय आपका यूरिन क्या हो जाएगा बताओ, येलोइश टाइप का हो जाएगा, बहुत गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इसलिए बनेगा क्योंकि यूरिन में मैक्सिमम क्या होता है, पानी होता है। तो ये पानी को बॉडी क्या करेगा, वाटर ट्रेस है, अभी धूप गिर रहा है, तो पानी को मैक्सिमम क्या करेगा, बॉडी के पास वापस रीअब्जॉर्प्शन करके भेज देगा ब्लड में, ठीक है। तो इसलिए अपना यूरिन क्या बनेगा, गाढ़ा यूरिन बनेगा। पर ये गाढ़ा यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए हमको मदद चाहिए किसका, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर आप देखिए कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ना बेटा, ये रिलीज होता है आपका हाइपोथैलेमस से। कहाँ से रिलीज होता है बेटा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया यहाँ पर, इसका नाम है मास्टर ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इसको, PITUITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ आर बॉडी, ठीक। तो अबव ये पिट्यूटरी ग्लैंड का दो लोब है, देखिए ये हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये वाला जो लोब है, ये वाला जो लोब है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन किसका होगा, ADH रिलीज करने में पोस्टीरियर पिट्यूटरी का रोल होगा, ठीक है, मैं आगे देखा था आपको। तो अबव दिस पिट्यूटरी ग्लैंड देयर इज ए पोर्शन, यूनिक पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। क्या बोलेंगे बेटा, ये पोर्शन को बोलेंगे हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जब आपको बहुत प्यास लगता है ना, तो आपका कौन सा सेंटर एक्टिवेट होता है बताइए, ब्रेन का ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस में कौन सा क्या रहता है बताओ, अपना थ्रस्ट सेंटर रहता है, MCQ, इट्स ऑल्सो MCQ फॉर यू, राइट। अपना बॉडी का थ्रस्ट सेंटर, ऑस्मोरेगुलेशन सेंटर, ठीक है, कहाँ पर रहता है, ये रहता है आपका हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो जब आपका बॉडी में वाटर ट्रेस है, आपको प्यास लग रहा है, तो क्या करेगा, किडनी के थ्रू
ये वाटर कंजर्व करने का कोशिश करेगा, मैक्सिमम वाटर बैक करके ब्लड में भेज देगा, रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये काम कराता है कौन बताइए, ये काम कराता है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस उस समय क्या करता है जब आपको प्यास लगा, तो ये एक हार्मोन आपके लिए रिलीज करता है जिसका नाम ADH, जिसका नाम क्या है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एक्चुअली रिलीज कौन करा बताइए, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और एंटी डायरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस से माइग्रेट करके कहाँ पर आ गया, देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज हो गया कहाँ पर, ब्लैड में। तो ये ब्लैड में अभी क्या घूम रहा है, ADH हार्मोन घूम रहा है, ठीक है। और ये ADH हार्मोन जाके काम करेगा कहाँ पर बताइए, ये काम करेगा आपका किडनी में। किडनी में कहाँ पर काम करेगा, नेफ्रॉन के कौन सा पार्ट में काम करेगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट में काम करेगा। पर कैसे करेगा ये मैं बता रहा हूँ, कुछ और MCQ जो है आपको यहाँ पर बताना चाहिए। बताइए बेटा, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, व्हिच ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी डज नॉट सेक्रेट एनी हॉर्मोन, डज नॉट प्रोड्यूस एनी हॉर्मोन, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। मैं अभी सॉल्व भी करके दूंगा आपको, पर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, लास्ट एंड तक। तो देखिए अपना बॉडी में, मेरा क्वेश्चन ये है, अपना बॉडी में ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो ग्लैंड कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, ठीक है, हार्मोन रिलीज नहीं करता। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड है, डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है, बट ये सॉरी नॉट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी, ये बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस एनी हॉर्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हॉर्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का खाली क्या करता है, हाइपोथैलेमस से आए वाला जो हार्मोन है वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करता है, और बाद में जब जरूरत आता है तभी रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये बात आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, राइट। Which gland, which endocrine gland of your body does not produce any hormone? तो आपका आंसर में क्या आना चाहिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। तो ये बात आप याद रखना। अब देखिए अभी ADH जो है ये आके किडनी के ऊपर कहाँ पर काम करेगा, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट बेटा, नेफ्रॉन का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा डायग्राम बेटा, ये कौन है बताइए, ये है आपका बाउमेन कैप्सूल। तो बाउमेन कैप्सूल के अंदर कौन आएगा बेटा, एफरेंट आर्टरियोल, ये कौन है, एफरेंट आर्टरियोल। और एफरेंट आर्टरियोल अंदर आके क्या बनाएगा, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और फिर ग्लोमेरुलस से ये कौन बाहर जा रहा है बताइए, इफरेंट आर्टरियोल, ठीक, इफरेंट आर्टरियोल। बाद में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बताइए, ये कौन है, ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाद में यू शेपेड क्या बनाया, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पर कौन सा पार्ट रहेगा बेटा, ये कौन सा पार्ट है बताइए, ये हो गया आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाद में किस में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट फिल्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये यूरिन में कन्वर्ट कर दिया, राइट, फिल्ट्रेट को ये कन्वर्ट कर दिया आपका यूरिन में, ठीक है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, एक तो है आपका कौन सा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और दूसरा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक्ट करेगा, और कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में एक्ट करेगा। तो ये पोर्शन को मैं जूम करके यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये कैसा है, मानिए कि ये कौन है आपका, ये हो गया आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपके लिए मैं एकदम सीधा बना रहा हूँ इसको, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये नीचे की तरफ कौन जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हो गया आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हो गया अपन कलेक्टिंग डक्ट में, शॉर्ट डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। और ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करा बताइए, जो आपका बॉडी का फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, यूरिन में, यूरिन में कन्वर्ट कर दिया। तो किस तरह से यूरिन को ADH क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड बना देगा, क्योंकि ADH
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करके मैक्सिमम वाटर को क्या कर देगा, रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में भेज देगा। ठीक है, तो ये जगह पे क्या है, ये सब जगह पे ब्लड वेसल है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल में ये भेज देगा। अब देखिए इसके अंदर से क्या जा रहा था बेटा, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, सॉरी नॉट कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसके अंदर से क्या पास हो रहा था बताइए, आपको याद होगा, इसके अंदर से जा रहा था फिल्ट्रेट। क्या जा रहा था बेटा, फिल टी आर ए टी ए, और फिल्ट्रेट में क्या है, ढेर सारा वाटर है। यही वाटर को अगर इसने जाने दिया तो यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा, तो बॉडी में वाटर ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, धूप जो है, अब ये वाटर को बैक करके क्या करना है, बॉडी को ये वाटर को बैक करके कहाँ पर भेज देना है बताओ, वापस ब्लड में भेज देना है। ठीक है, H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, ये वाटर को यहाँ से भेज देना है कहाँ पर, H2O, ये वाटर को ब्लड में भेज देना। ठीक है, तो देखिए किस तरह से ये ADHA काम करता है, ये आपको देखना है ये सेगमेंट में। ठीक ठीक, तो आप देखिए एक बात और, ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ना, तो इसके ऊपर क्या रहता है, यहाँ पर इसका एक सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल रहता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड एज वेल एज कलेक्टिंग डक्ट पे। क्या रहता है बेटा, सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल रहता है। ठीक है, तो ये मानिए कि ये सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल है। ठीक, और ये हो गया इस सेल का न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियस हो गया। ठीक, हाँ ये, तो आप देखिए यहाँ पर ये पार्ट मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाटर को बाद में मैं दिखाता किस तरह से रिअब्जॉर्प्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर काम करेगा कौन, ADH हार्मोन, ये सेल के ऊपर, सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल प्रेजेंट ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपके लिए एक सेल को मैं बहुत ही बड़ा करके बना रहा हूँ, ये जो सेल है ना, ये सेल को मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो सेल है ना ये सेल को मैं जूम करके यहाँ पर एक बड़ा सेल प्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके लिए, एक बहुत ही एक बड़ा सा सेल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा सेल है बताइए, दिस सेल इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सेम फंक्शन करेगा ये ADH। अब देखिए क्या होता है, अब ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, एक स्पेशलाइज रिसेप्टर होता है। क्या होता है बेटा, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशलाइज रिसेप्टर होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को देखिए, ये जो स्पेशलाइज रिसेप्टर, ये सेल मेम्ब्रेन को कितना 7 टाइम स्पैन किया है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसलिए ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर को हम बोलते सर्पेंटाइन रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर बोलते बेटा इसको, ये रिसेप्टर को सर्पेंटाइन रिसेप्टर। चलो इसको, ये थोड़ा खराब हो गया हैंडराइटिंग, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, राइट। तो सर्पेंटाइन रिसेप्टर कौन सा सेल में, सेल का मतलब मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन के ऊपर है बताइए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट का मेम्ब्रेन के ऊपर है। अब ये जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर, इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर एक्सेप्टिंग दिस हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करा बताइए, हाइपोथैलेमस से ये कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ बताइए, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और हाइपोथैलेमस से माइग्रेट करके आया पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज कर दिया ब्लड में, तो ये हार्मोन आके बाइंड हुआ अल्टीमेटली कहाँ पर, ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर में बाइंड हुआ। ध्यान से समझना, एक बार में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और आपका कोई भी लेयर से क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन आप मतलब क्रैक करके आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरा गारंटी है, भरोसा रखो आप। हाँ, तो ये ADH हार्मोन आके बाइंड करा कहाँ पर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल सेल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट सेल। अब जब भी सर्पेंटाइन रिसेप्टर के ऊपर ये ADH हार्मोन आके बाइंड हुआ, तो ये रिसेप्टर में क्या हो गया बताइए, चेंजेस आया, ये रिसेप्टर एक्टिवेटेड हो गया। तो रिसेप्टर जब एक्टिवेटेड हुआ ना बेटा, तब ये सेल में, सेल के अंदर एक और प्रोटीन को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। ठीक है, सेल के अंदर एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम जी प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन है बेटा, ये प्रोटीन का नाम है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर।
क्या नाम होता है बेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका नाम होता है जी पी, स्टैंड फॉर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, कपल रिसेप्टर, ठीक है। या तो आप सिंपली बोल सकते जी प्रोटीन, ठीक। तो जब सर्पेंटाइन रिसेप्टर में आके एडीएच बाइंड हुआ तो ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर सेल के अंदर किसको एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया, और जी प्रोटीन के साथ लगा हुआ रहता है, यहाँ पर कनेक्ट होके रहता है जी टी पी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भी जी प्रोटीन एक्टिवेटेड होता है तो ये जी टी पी टूट के क्या बनता है बताइए, जी टी पी टूट के बनता है जी डी पी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से बन जाता है गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहां से क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है, ठीक है, एनर्जी निकलता है। जैसे कि जी टी पी क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, लाइक एटीपी, ठीक है। जैसे कि एटीपी क्या है, बॉडी का एनर्जी मॉलिक्यूल है, हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जीटीपी भी क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो देखिए, जब भी एडीएच हार्मोन सर्पेंटाइन रिसेप्टर पे बाइंड हुआ तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होके किसको एक्टिवेट करा, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करा, और यहाँ पर क्या टूट गया, जीटीपी टूट के एनर्जी बना। वही एनर्जी से क्या करा, यहाँ पर मेम्ब्रेन में और एक क्या रहता है बताइए, मेम्ब्रेन में एक और प्रोटीन रहता है, ठीक है, यहाँ पर एक और प्रोटीन रहता है जिसका नाम एडिनाइलेट साइक्लेज। क्या नाम है बेटा इसका नाम, एडिनाइलेट साइक्लेज। तो मैं इसका लॉन्ग फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, ए सी स्टैंड फॉर एडिनाइलेट, एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज, राइट, याद रखना। तो अभी ये जी प्रोटीन किसको एक्टिवेट किया बताइए, जी प्रोटीन एक्टिवेट नाउ एडिनाइलेट साइक्लेज इनसाइड द सेल। अब जब एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, देखिए इनिशियल काम कौन कर रहा है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन आगे जब सर्पेंटाइन रिसेप्टर पे बाइंड हुआ तो ये एक्टिवेट करा किसको, जी प्रोटीन को, जी प्रोटीन एक्टिवेट करा किसको, एडिनाइलेट साइक्लेज को। अब एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है बताइए, एडिनाइलेट साइक्लेज करता है क्या, ये यहाँ पर सेल के अंदर क्या होता है, एटीपी, क्या होता है बेटा, सेल के अंदर होता है एटीपी, ठीक है, एटीपी होता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये एक्टिवेटेड एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, मोनोफॉस्फेट पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इट इज कॉल्ड सेकेंड मैसेंजर। क्या बोलते बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज ए काइंड्स ऑफ सेकेंड मैसेंजर, ठीक है, सेकेंड मैसेंजर ऑफ सेल। जैसे कि और भी कुछ सेकेंड मैसेंजर होता है, जैसे कि डी ए जी मतलब डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, उसके बाद और होता है आई पी थ्री इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, उसके बाद और भी सेकेंड मैसेंजर का काम कौन करता है बताइए, कैल्शियम प्लस प्लस आयन, ठीक, ये सब लोग क्या है, सेकेंड मैसेंजर है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो कौन कौन सेकेंड मैसेंजर, यहाँ पर ये जो आपका एडीएच हार्मोन, ये कौन सा सेकेंड मैसेंजर अल्टीमेटली प्रोड्यूस करा बताइए, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके अलावा और कौन सेकेंड, और कौन कौन सेकेंड मैसेंजर है, डाई असाइल ग्लिसरॉल, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम आयन, ये भी सेकेंड मैसेंजर का काम करता है। अलग अलग हार्मोन सेल के अंदर अलग अलग क्या करता है, सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्शन करता है, और सेकेंड मैसेंजर आगे का फर्दर काम क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता, क्या हुआ, ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट तैयार हुआ, ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या करेगा, एक बहुत ही बड़ा फंक्शन करेगा, ठीक है, बहुत ही बड़ा फंक्शन करेगा, ये आगे जाके एक्टिवेट कर देगा किसको बताइए, एक और प्रोटीन सेल के अंदर होता है, ठीक है, जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज ए। क्या नाम है बेटा इसका नाम,
प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है, पी के ए, राइट। इसका लॉन्ग फॉर्म में अभी यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है तो इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पी के ए का फुल फॉर्म क्या है बेटा, बेटा बताइए, पी के ए इसका फुल फॉर्म है प्रोटीन, प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए। तो साइक्लिक एमपी जब बना, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जब बना, तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट किसको एक्टिवेट किया, प्रोटीन काइनेज ए को सेल के अंदर एक्टिवेट कर दिया। किस कौन किसका सेल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का सेल और कलेक्टिंग डक्ट का सेल। अब क्या करा प्रोटीन काइनेज ए, एक बड़ा फंक्शन करा, ठीक है। यहाँ पर सेल के अंदर कुछ और चीज़ें होता है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक और प्रोटीन रहता है, ठीक, यहाँ पर इस तरह का एक और प्रोटीन रहता है। तो ये जो प्रोटीन है इसका नाम है एक्वापोरिन टू, क्या नाम है बेटा इसका, ये प्रोटीन का नाम है एक्वापोरिन टू, ये जो प्रोटीन है इसका नाम ए क्यू यू ए, एक्वापोरिन टू, ठीक है। तो आपने सुना होगा एक्वागार्ड नाम सुना, क्या एक्वागार्ड क्या है, पानी, पानी का बोतल है ना, कि पानी का कंपनी है। तो ये जो एक्वापोरिन, देखिए इसका पोरिन, एक्वापोरिन जो है इसका सरफेस में क्या है, ओपनिंग है, पोर है, ठीक है। तो एक्वापोरिन इज एसोसिएटेड टू वाटर, ठीक है, ये क्या करेगा अल्टीमेटली वाटर को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देगा। तो देखिए अब क्या होता है, अब देखिए जो प्रोटीन काइनेज ए यहाँ पर बना, प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, ये जो आपका एक्वापोरिन टू है इसके ऊपर फॉस्फेट लगा देता है, ठीक है, फॉस्फेट लगा देता है, फॉस्फेट लगा देता है, ठीक, इस तरह से ये फॉस्फेट लगा देता है। तो इस घटना को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, क्या बोलते हैं बेटा, इस घटना को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। जब भी क्या होता है फॉस्फोराइलेशन होता है एक्वापोरिन टू का, तो ये एक्वापोरिन टू माइग्रेट करके आ जाता है कहाँ पर बताइए, ये सरफेस में, ठीक है, ये सरफेस में आ जाता है, यही जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, ठीक, मैं मिटा देता हूँ, क्या हो रहा है मैं आपको क्लियरली दिखाना जरूरी है। तो ये एक्वापोरिन टू कहाँ पर माइग्रेट करके आ जाता है, जब ये इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया तो ये माइग्रेट करके आ जाता है यहाँ पर ये डक्ट के ऊपर, और डक्ट के ऊपर आके ये जो एक्वापोरिन टू प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। जब ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका वो जो एक्वापोरिन टू का जो चैनल है, देखिए यहाँ पर बाइंड हो जा रहा है, ठीक है, ये जगह पे क्या हो रहा है, बाइंड हो गया, ठीक। तो ये जगह पे जब बाइंड हुआ तो यहां पर से कौन जा रहा था, फिल्ट्रेट, ठीक है, और फिल्ट्रेट में वाटर है, बहुत सारा वाटर है, तो ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करके कहां पर भेज दिया गया बताइए, ये सेल के अंदर भेज दिया गया, ठीक है, H2O, H2O जितना अमाउंट में उसको भेज देना है तो भेज दिया वाटर को, और यही वाटर क्या करा माइग्रेट करके ये सेल के अंदर से क्या चला गया बताइए, ब्लड में चला गया H2O, ठीक। तो ये वाटर, ढेर सारा वाटर ये क्या कहाँ पर चला गया, H2O, ढेर सारा वाटर क्या कर दिया बताइए, रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर वाटर रीअब्जॉर्ब करके भेज दिया ब्लड में तो क्या हो जाता है, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन देखना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, गाढ़ा यूरिन प्रोडक्शन होता है, और आपका बॉडी में क्या था, वाटर ट्रेस धूप की वजह से, तो क्या होता है बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, वाटर मिलता है, और अपना बॉडी क्या रहता है, सेफ रहता है। तो इस तरह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, बॉडी में जब वाटर ट्रेस आता है तो ये क्या करता है, वाटर को बैक करके, यूरिन से बैक करके कहाँ पर भेज देता है बताइए, ब्लड में भेज देता है। तो इस घटना को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ से हुआ बताइए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ADH हार्मोन, बात समझा या नहीं समझा, ठीक है। अब देखिए ये जगह एक बार और आपको बता देता हूँ एकदम सिंप्लीफाइड वे में, देखिए कि हाइपोथैलेमस से वाटर बॉडी में क्या है, वाटर ट्रेस है, वाटर को कंजर्व करना है, तो हाइपोथैलेमस का थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेटेड हुआ, और थ्रस्ट सेंटर जब एक्टिवेटेड हुआ तो यहाँ से हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन माइग्रेट टू कम्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी इट इज रिलीज इन टू ब्लड। तो ब्लड में से ADH हार्मोन आके बाइंड हुआ कहाँ पर, सेल ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट,
इसके कौन सा सेल, सेल का मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर है, जो रिसेप्टर 7 टाइम मेम्ब्रेन को स्पैन करा, इसलिए इस रिसेप्टर को बोला गया सर्पेंटाइन रिसेप्टर। तो सर्पेंटाइन रिसेप्टर के ऊपर जब भी ADH बाइंड हुआ तो सर्पेंटाइन रिसेप्टर एक्टिवेट होके किसको एक्टिवेट कर दिया बताइए, जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, और जी प्रोटीन किसको एक्टिवेट करा, जी प्रोटीन एक्टिवेट करा एडिनाइलेट साइक्लेज को। एडिनाइलेट साइक्लेज फिर क्या काम किया, एडिनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मीन ATP इंटू साइक्लिक AMP, और साइक्लिक AMP क्या है, एक सेकेंड मैसेंजर। ठीक है, और भी सेकेंड मैसेंजर कौन है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट कैल्शियम आयन एटसेट्रा, राइट। और बाद में साइक्लिक AMP किसको कन्वर्ट किया, साइक्लिक AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज ए बाद में एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेट किया किसको बताइए, एक्वापोरिन टू को। ठीक है, फाइनल फंक्शन, एकदम अल्टीमेट फंक्शन, ये जो आपका प्रोटीन काइनेज ए, ये फाइनली किसको बताइए, ये जो प्रोटीन है, ऐसा बहुत सारा प्रोटीन सेल के अंदर रहेगा, ठीक है, इसका नाम एक्वापोरिन टू। तो ये एक्वापोरिन टू के ऊपर जाके क्या करता है, फॉस्फेट लगा देता है। ठीक है, तो इस घटना को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, अल्टीमेट टॉर्क। ठीक है, तो जब भी ये एक्वापोरिन टू को फॉस्फोराइलेट कर देता है तो एक्वापोरिन टू माइग्रेट करके कहाँ पर आ जाता है, चिपक जाता है आके यहाँ पर मेम्ब्रेन में चिपक जाता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में जब चिपक जाता है तो ये देखिए ये चैनल क्या हो गया, अभी ये मेम्ब्रेन में बाइंड हो गया, ओपन हो गया चैनल। ठीक है, ऐसा ढेर सारा चैनल ओपन हो जाएगा, ये जगह से भी, ये जगह से भी, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव्यूल है ना, तो ये जगह से भी क्या होगा, ये चैनल यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा और ये अंदर से क्या होगा, वाटर को ये बाहर भेज देगा। ठीक है, H2O ये वाला, ये H2O, ठीक है H2O, तो यहाँ से भी क्या करेगा, ये पानी को क्या करेगा, बाहर भेज देगा। ठीक है, बाहर बोले तो कहाँ पर, ब्लड में भेज देगा। तो इस घटना को बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। तो ब्लड, ब्लड में क्या होगा, वाटर बैलेंस बनाए रखेगा। ठीक, तो ये एक्वापोरिन टू फाइनल फंक्शन कर देगा और इस घटना से क्या होगा, सेल के अंदर से ये वाटर ब्लड में भेज देगा। तो इस घटना को बोलते रीअब्सॉर्प्शन। बात समझा या नहीं समझा। ठीक है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑन किडनी ट्यूब्स, दैट इज नेफ्रॉन। ठीक, तो इस तरह से एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है बताइए, अपना मतलब वाटर बैलेंस बॉडी में बना रखता है और किडनी फंक्शन को रेगुलेट कर लेता है, राइट। अब देखिए बेटा, यहाँ से और दो MCQ आपको पूछा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ADH जब ब्लड में ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तब मतलब क्या हुआ, कौन सा कंडीशन में ADH ब्लड में ज़्यादा रहेगा बताइए, जब आपको बहुत ही प्यास लगा, ठीक है, बहुत ही प्यास लगा, तब बॉडी को क्या करना है, यूरिन को गाढ़ा बनाना है, ज़्यादा मतलब अगर यूरिनेशन उस समय हो जाएगा तो यूरिन के साथ मैक्सिमम वाटर बॉडी के बाहर चला जाएगा, तो बॉडी वाटर टेस्ट से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, जब आपको प्यास लगता है तब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ब्लड में बताइए, ADH मीन और एंटी डायरेटिक हार्मोन। और ADH क्या करता है, अल्टीमेटली यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड कर देता है, गाढ़ा यूरिन बनाता है। ठीक है, अब जब आपने गाढ़ा यूरिनेशन नहीं किया, ठीक है, बहुत ही डाइल्यूट यूरिन पास कर रहा है, तब मतलब क्या है, आपका बॉडी में वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और उस समय बॉडी में क्या है, लो लेवल ऑफ ADH मेंटेन हो रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है, लो लेवल ऑफ ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन। ठीक, तो एक डिजीज यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर मान लो कि ADH हार्मोन का डेफिशिएंसी है किसी का बॉडी में, ठीक है, तो क्या करेगा, उस समय एक डिजीज हो जाएगा जिसको बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज इनसिपिडस, इनसिपिडस कौन सा डिजीज हो जाएगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, एंटी डायुरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंड लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज। और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, ये ADH हार्मोन कोई काम ही नहीं करता, मतलब क्या है, वाटर रीअब्सॉर्प्शन इज वेरी वेरी लो। तो क्या होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेट में जितना भी वाटर है वो पास करा देता है किसके पास बताइए,
यूरिन के अंदर पास करा देता है, तो ठीक है डाइल्यूट यूरिन बनता है और बार 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 क्या लगता है, पेशाब लगता है और पेशेंट को क्या रहता है, एक्सट्रीम लेवल पे थ्रस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, बार 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 क्या होता है, यूरिनेशन होता है। ठीक है, तो इस डिजीज को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो ये बात आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, यहाँ से ये MCQs पूछा जाता है। और एक डिजीज होता है जिसको भी डायबिटीज बोलता है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। एक्चुअली डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, यूरिन में क्या आ जाता है बताइए, ग्लूकोज आ जाता है। यूरिन में क्या आ जाता है बताइए, ग्लूकोज आ जाता है, ग्लूकोज एक्सक्रीट होने लगता है यूरिन के थ्रू, तो वो डिजीज को क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलेंगे बताइए बेटा, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, सुगर बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस को एक्चुअली सुगर भी बोलते हैं, आप नाम सुने होंगे, पर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH कौन सा डिजीज होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। और यूरिन में अगर ग्लूकोज आ जाता है तो वो डिजीज को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और डायबिटीज मेलाइटस किसका डेफिशिएंसी में होता है, जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडस हुआ डेफिशिएंसी ऑफ ADH में, और डायबिटीज मेलाइटस यहाँ पर लिख ही देता हूँ, डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ए हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। ठीक है, तो ये जो MCQs मैंने आपके लिए बताया ये याद रखना। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन इंसुलिन, एंड डायबिटीज इंसिपिडस इज रेस्पॉन्सिबल, दिस डिजीज रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू लो सेक्रेशन ऑफ और लो लेवल ऑफ ADH, इसमें बहुत ही डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन होता है। और डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, ये इसके अंदर मतलब यूरिन के अंदर क्या आ जाता है, सुगर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, जिसको सुगर बोलते हैं। राइट, दैट्स ऑल अबाउट व्हाट ADH फंक्शन ऑन किडनी। राइट, अब हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर बताइए, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर। राइट, हाउ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर रेगुलेट आवर किडनी फंक्शन। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर और वेयर इट इज फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, ये कौन है बताइए, नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है बताइए, ये हो गया कौन सा पार्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। राइट, और ये जो पार्ट है ठीक है, इसको बोलेंगे बाउमेन कैप्सूल। क्या बोलेंगे बेटा, बाउमेन कैप्सूल। राइट, और आप ये भी जानते हैं कि बाउमेन कैप्सूल के अंदर एंटर कौन करता है बताइए, ये इसके अंदर एंटर किया एफरेंट अट्रियोल, ये एंटर किया ब्लड लेके, और इसके अंदर आके क्या बनाया, कैपिलरी। क्या बनाया बेटा, ये इसके अंदर आके ग्लोमेरुलस के अंदर आके क्या बनाया, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, और यहाँ से रिलीज होके जा रहा है एज ए इफरेंट अट्रियोल। ये कौन है बताइए, इफरेंट अट्रियोल। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये जगह पे ब्लड का क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, ये ब्लड लेके आया और ये वाला पार्ट ब्लड को लेके जा रहा है किडनी से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, और एफरेंट आर्ट्रियोल ने क्या बनाया, बाउमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल का नेक पे यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज डेंस सेल रहता है। ठीक है, स्पेशलाइज डेंस सेल। ठीक, और इफरेंट आर्ट्रियोल का नेक पे भी कुछ स्पेशलाइज डेंस सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डेंस सेल है इसको बोलेंगे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ये सेल को बोलेंगे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है, तो मानिए कि ये जगह पे मैं और एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, ये
मानिए कि सेक्शनल पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक पार्ट को यहाँ पर सेक्शन करके यहाँ पर बताया। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर भी यहाँ पर कुछ डेंस सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, डेंस सेल प्रेजेंट होता है। तो ये वाला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट में ये वाला हो गया आपका डेंस सेल। और ऐसा ही डेंस सेल कहाँ पर मिलेगा, द नेक ऑफ एफरेंट आर्टियोल एंड नेक ऑफ इफरेंट आर्टियोल। तो ये जो ये वाला पार्ट कौन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट है, उसका नेक पे मिलता है। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो डेंस सेल मिलता इसको बोलते हैं मैकुला डेंसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये याद रखना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में है। और यहाँ पर ये जो सेल है, ए जो डेंस सेल है, डेंस सेल प्रेजेंट ऑन एफरेंट आर्ट्रियोल एंड डेंस सेल प्रेजेंट ऑन इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक। तो ये जो सेल है इसको बोलेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। क्या बोलेंगे बेटा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। तो अब हमको जानना है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर क्या है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एंड मैकुला डेंसा। क्या क्या लेके जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर बनता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एंड सेल ऑफ मैकुला डेंसा विच इज प्रेजेंट ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर किससे किससे बनता है, ये बनता है आपका सेल ऑफ मैकुला डेंसा, सेल्स ऑफ मैकुला डेंसा प्लस सेल्स ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बनता है। तो क्या कैसे बनता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर इज मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ मैकुला डेंसा एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ये दो पार्ट से क्या बनता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर, ये बात आप याद रखना, ठीक। तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर किस तरह से किडनी फंक्शन मैनेज करता है, ये आपको ये सेक्शन में जानना है। तो अभी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको और एक क्वेश्चन बता देते कि ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर है ना, ये बॉडी में रिलीज करता है रेनिन। क्या रिलीज करता है बेटा, रेनिन बोल के एक एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। रेनिन एक ऐसा एंजाइम जो एक हार्मोन का तरह भी काम करता है, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, ठीक है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, रेनिन। कौन सा कंडीशन में रेनिन प्रोडक्शन करेगा और रेनिन आगे जाके किडनी के ऊपर, किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर, नेफ्रॉन के ऊपर क्या फंक्शन कर रहा है, यही पार्ट ये लेक्चर का मुद्दा है। बात समझा या नहीं समझा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड आगे का लेक्चर में हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं कि डिटेल्स स्टडी में, राइट। तो बेटा मानिए कि अभी बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ही क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, बीपी लो हो गया, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ड्रॉ किया कौन सा पार्ट बताइए, नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का ये कौन सा पार्ट है, ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये वाला ये कौन सा है, यू शेपेड लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये कौन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये कौन है बताइए आपका, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये कौन है, बाउमेन कैप्सूल। और बाउमेन कैप्सूल के अंदर आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन आया, अंदर आया एफरेंट आर्ट्रियोल, बाहर गया इफरेंट आर्ट्रियोल, और अंदर ये क्या बना, ग्लोमेरुलस। ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हो गया इफरेंट आर्ट्रियोल, ये ब्लड लेके आया,
ये ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये भी आर्टरी है, एफरेंट आर्टरियोल भी आर्टरी है, इफरेंट आर्टरियोल भी क्या है, आर्टरी है। तो आर्टरी में क्या रहता है, कभी भी ब्लड प्रेशर कभी भी हाई रहता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, जब हाई ब्लड प्रेशर लेके क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आता है, तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करके यहाँ पर क्या बना देता है, इस जगह पे बाउमेन कैप्सूल पे यहाँ पर बना देता है फिल्ट्रेट। क्या बना देता है बेटा, ये बनाता है फिल्ट्रेट, राइट। आपको पता है फिल टी आर ए टी फिल्ट्रेट। तो ये फिल्ट्रेट कब बनता है, जब प्रेशर मॉडरेट कंडीशन में रहता है, नॉर्मल प्रेशर में रहता है, ठीक है। तब नॉर्मल कंडीशन में ये फिल्ट्रेट माइग्रेट करके अल्टीमेटली ये पार्ट से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिवल लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटिवल, ऐसे होके कलेक्टिंग डक्ट तक आता है। कलेक्टिंग डक्ट से ये जब निकल जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, यूरिन, ठीक है। मतलब ये यूरिन बनता है किसके वजह से, यहाँ पर ब्लड प्रेशर जब क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो नॉर्मल रेट में क्या बनेगा, फिल्ट्रेट बनेगा, नॉर्मल रेट पे क्या बनेगा, अल्टीमेटली यूरिन बनेगा, ठीक है। अब मानिए कि ये जो ब्लड प्रेशर बीपी 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 अगर लो हो गया, तो जो अमाउंट में फिल्ट्रेट बनना चाहिए वो अमाउंट पे अभी फिल्ट्रेट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक। वैसे नॉर्मल, व्हाट इज द नॉर्मल फिल्ट्रेशन रेट इन किडनी, ये क्या है बेटा, ये एमसीक्यू है आपके लिए। एक मिनट पे अपना ये किडनी का ग्लोमेरुलस 125 ml क्या बनाता है बताइए, फिल्ट्रेट तैयार करता है, ठीक है। ये आपके लिए एमसीक्यू, पर मिनट ऑल द ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी प्रोड्यूस 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट, ये प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो एक दिन में, पूरा एक दिन में कितना फिल्ट्रेट प्रोडक्शन होगा बताइए, 180 लीटर, ठीक है। तो ये जो पर मिनट क्या करता है, पूरा किडनी का पूरा ग्लोमेरुलस जितना फिल्ट्रेट बनाता है पर मिनट में, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो अभी मान लो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर से क्या हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो अभी नॉर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो रहेगा क्या, नहीं, ये भी फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन रेट अगर लो हुआ तो यूरिन प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और यूरिन प्रोडक्शन लो हो गया तो क्या होगा बताइए, बॉडी का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल वो प्रॉपर तरीके से बॉडी के बाहर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो बॉडी क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, फ्रेश बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप बॉडी क्या करता है, ब्लड प्रेशर जब लो हो गया तो फिल्ट्रेशन रेट भी लो हो गया, ठीक है, यूरिन प्रोडक्शन लो हो गया। तो इस समय क्या होता है, यहाँ पर जो सेल था, आपको याद है ना, ये जगह पे क्या था, एफरेंट आर्टेरियोल पे डेंस सेल था, एफरेंट आर्टेरियोल पे डेंस सेल था, और कहाँ पर था, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, यहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में यहाँ पर भी डेंस सेल था। तो ये सब सेल मिलके, ये लोग मिलके क्या रिलीज कर दिया, लो ब्लड प्रेशर को जब सेंस किया तो इन्होंने रिलीज कर दिया रेनिन। क्या रिलीज कर दिया बेटा, रेनिन रिलीज कर दिया, बिकॉज दिस पोर्शन इज कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर। अभी आपको समझाया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर हैव द स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर फॉर ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर जब भी लो हो जाएगा तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल को, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर को सबसे पहले पता चलेगा, तो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए उन्होंने क्या करा, ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर लो ब्लड प्रेशर को सेंस करके उन्होंने ब्लड में रिलीज कर दिया, क्या बताइए, रेनिन बोल के एक एंजाइम, ठीक है। आप देखिए रेनिन क्या करता है, रेनिन क्या करेगा, ये अभी रेनिन चला गया कहाँ पर बताइए, ये चला गया ब्लड में, कहाँ पर चला गया बेटा, रेनिन आपका अभी घूम रहा है कहाँ पर बताइए, ब्लड में घूम रहा है, ठीक, ये ब्लड में घूम रहा है रेनिन। तो ये रेनिन ब्लड में आ गया, तो ब्लड में क्या होता है, एक इनएक्टिव क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, पेप्टाइड प्रोटीन, तो इसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। तो अभी फिलहाल जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर क्या रिलीज कर दिया बताइए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर रिलीज व्हाट, रेनिन,
ठीक है, इन ब्लड। तो ब्लड में रेनिन जब आ गया, तो ब्लड में आके रेनिन क्या किया, एक इनएक्टिव पेप्टाइड को, इनएक्टिव पेप्टाइड कौन है, ये वाला, ये एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, ये इनएक्टिव है अभी। हाँ, तो एंजियोटेंसिनोजेन को रेनिन क्या किया, रेनिन इसके ऊपर आके गिरा, ठीक है, तो एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हो गया किसमें, एंजियोटेंसिन वन में। किसमें कन्वर्ट हुआ बताइए, एन जियो टेंसिन वन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन वन एक्चुअली कहाँ पर कन्वर्ट हुआ बताइए, ये कन्वर्ट हुआ आपका लीवर में। कहाँ पर कन्वर्ट हुआ बताइए, लीवर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब एंजियोटेंसिन वन क्या हो गया, चला गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, लंग के पास चला गया, ठीक। ये कौन है बताइए, ये हो गया आपका लंग, ठीक है, ये लंग है, हाँ, तो ये लंग है। तो एंजियोटेंसिन वन कहाँ पर चला गया, अभी लंग पे चला आया, ठीक है। तो लंग में आके एंजियोटेंसिन वन कन्वर्ट हो गया किसमें, एंजियोटेंसिन टू में, एन जियो टेंसिन टू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि लंग में ऐसा क्यों हुआ, लंग में एक एंजाइम है जिसका नाम ए सी ई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या नाम है, लंग में कौन सा एंजाइम है बताइए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने क्या किया, एंजियोटेंसिन वन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एंजियोटेंसिन टू में, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन टू क्या करेगा, एंजियोटेंसिन टू इज ए स्ट्रॉन्ग वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। क्या है बेटा ये, एंजियोटेंसिन टू इज ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है, ये ब्लड वेसल को, मानी कि अभी नॉर्मली ब्लड वेसल इस तरह का है, नॉर्मली इस तरह का है, तो ये एंजियोटेंसिन टू आके जब ब्लड वेसल पे काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ब्लड वेसल क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब नैरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक। तो जब ब्लड वेसल नैरो हो जाएगा तो इसके अंदर से क्या चल रहा था, ब्लड चल रहा था, वही सेम अमाउंट का ब्लड अगर इसके अंदर से चले तो क्या हो जाएगा, ये ब्लड वेसल का जो वॉल है इसमें प्रेशर ज़्यादा आएगा या कम आएगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो बीपी लो हुआ था, अब ये बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक, ये बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो बीपी जब हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट था ये क्या हो जाएगा, बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब नॉर्मल हो जाएगा तो नॉर्मल अमाउंट पे क्या बनेगा, फिल्ट्रेट बनेगा, और नॉर्मल अमाउंट पे क्या बनने लगेगा, यूरिन बनने लगेगा। बात समझा या नहीं समझा। अब दूसरा काम, ये जो एंजियोटेंसिन टू है ना, ये और एक काम करता है, ठीक है, ये जो एंजियोटेंसिन टू है ना, ये और एक फंक्शन करता है, ठीक है। क्या है वो, आपका एमसीक्यू में, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये जो आपका एंजियोटेंसिन टू है, ये तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम तो करा ही, जिसके वजह से बीपी क्या हो गया, बीपी हाई हो गया, मीन बीपी बैक टू इस नॉर्मल पोजीशन। दूसरा काम ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये कौन है बेटा, ये हो गया आपका किडनी, ठीक है। और आप जानते हैं किडनी के ऊपर एक कैप्सेपेट ग्लैंड रहता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम है बेटा इसका, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो एंजियोटेंसिन टू है ये क्या करता है, ये जाके काम करता है किसके ऊपर, ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये जाके एंजियोटेंसिन टू जो है किसके ऊपर, किसको एक्टिवेट किया, ये एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट अबव द किडनी। तो ये एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज करता है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो जाता है एल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज होता है बेटा, एल्डोस्टेरॉन, एल डोस टेरॉन, ठीक है, क्या रिलीज होता है बेटा बताइए, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज हुआ, एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। किसके इन्फ्लुएंस में रिलीज हुआ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजियोटेंसिन टू, ठीक है। अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन एक्ट ऑन, एल्डोस्टेरॉन एक्चुअली एक्ट ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
कहाँ पर एक्ट करता है एल्डोस्टेरोन बताइए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक्ट करता है। एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से किसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है बताइए, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, Na+ एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये भी आपका MCQ में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये खाली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम नहीं करता, ब्लड प्रेशर को तो हाई करा ही, ठीक है, जिसके वजह से फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट ये नॉर्मल पोजिशन में आया, नॉर्मल अमाउंट पे यूरिन बना। दूसरा बात, एंजियोटेंसिन 2 इज एक्टिवेट द एड्रिनल ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड इज रिलीज एल्डोस्टेरोन हार्मोन एंड एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ आयन एंड वाटर। मैक्सिमम कौन करता है बताइए, मैक्सिममली कौन करता है, Na+ आयन का रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बढ़ा देता है, कौन बढ़ाता है, एल्डोस्टेरोन। इसीलिए ये जो घटना है इसको बोलते रेनिन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये जो मतलब तरीका है, ये जो प्रोसेस है, इसको बड़ा ध्यान से याद रखना, और हर लेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई भी लेयर से आपका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये घटना को, पूरा घटना को क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो रेनिन अल्टीमेटली एक्टिवेट किया किसको, रेनिन एक एंजाइम है जो एक्टिवेट किया किसको, एक पेप्टाइड हार्मोन को, एक पेप्टाइड को, तो इनएक्टिव पेप्टाइड को, इनएक्टिव पेप्टाइड एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट किया किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हुआ किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 इज ए स्ट्रॉन्ग वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इट कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल दैट्स लीड्स टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज रेगुलेट द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ किडनी एंड फिल्ट्रेशन रेट अगर रेगुलेट हो गया तो यूरिन प्रोडक्शन भी क्या होगा, नॉर्मल पोजिशन में बैक करेगा। और एंजियोटेंसिन 2 बाद में अटैक करता है किसको, एक्ट करता है कहाँ पर, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, और एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड इट्स इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, राइट। अब हमको जानना है हाउ एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर रेगुलेट आवर किडनी फंक्शन, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, हाउ एट्रियल एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर रेगुलेट आवर किडनी फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए की पॉइंट यहाँ पर छुपा हुआ है, नाम देख के घबराना मत, ठीक है, बस थोड़ा सा ऐसा रहता है पर नाम देख के कभी घबराना। तो ये जो एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर मीन ANF, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है एट्रिया और ऑफ हार्ट, कहाँ से रिलीज होता है बेटा, एट्रिया ऑफ हार्ट। अब देखिए, आप जानते हैं कि हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट इज हाउ मेनी चेम्बर, इट इज मेड अप ऑफ 4 चेम्बर, राइट। तो इसमें ये क्या है, ये हो गया आपका राइट एट्रिया, ठीक है, तो राइट एट्रिया से ये क्या है, ये हो गया आपका इन्फीरियर वेना केवा, ये हो गया आपका सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आया, एट्रिया में आया, और ये एट्रिया का नाम क्या है, राइट एट्रिया, ठीक है। तो राइट एट्रिया से ये ब्लड यहाँ पर आया, जबकि ये आपका अपना लेक्चर का मोटो नहीं है तो फिर भी एक बार बताते हैं, ये ब्लड आया कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में, कहाँ पर आया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड चला गया कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी से चला गया लंग पे, और लंग में से ब्लड कहाँ पर आया बताइए, लंग में से ब्लड आया पल्मोनरी वेन से, आया आपका लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम से कहा गया, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल,
और यहाँ से एओर्टा के थ्रू कहाँ पर चला गया, थ्रू आउट द बॉडी ये चला गया, ठीक है। तो ये सब छोड़ो, ये सब तो ये हार्ट का है। अब देखिए दूसरा क्या है, ये जो एट्रिया है ना, एट्रिया है, एट्रिया नंबर में कितना है, दो है, ठीक है। एट्रिया जो है नंबर में कितना है, दो है। और आप जानते हैं कि एट्रियल वॉल जो है ये क्या रहता है, पतला रहता है, थिन। और जो वेंट्रिकुलर वॉल है ये रहता है थिक, ठीक है। ये थिक वेंट्रिकुलर वॉल ऑफ हार्ट और ये क्या है, थिन एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। अब देखिए मानिए कि ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो गया, क्या हो गया बेटा, ब्लड प्रेशर मानिए कि हाई हो गया, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है बेटा, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बाय द किडनी इज 125 ml पर मिनट, ये आपको पता है। ये क्या है, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यूरिन प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है तो बॉडी क्या करता है, उसको मैनेज करने का कोशिश करता है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में बैक करने का कोशिश करता है ब्लड प्रेशर को। तो उस समय क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर फील होता है किसको बताइए, एट्रिया को। किसको फील होता है बताइए, एट्रिया को, ठीक है, एट्रिया को फील होता है, ये एट्रिया को फील होता है। तो एट्रिया से क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है बेटा, ये दोनों भी एट्रिया, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, ये दोनों से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ANF। क्या नाम होता है बेटा इसका, मैंने अभी अभी आपको बताया, ANF रिलीज होता है जब ब्लड प्रेशर हाई है। तब ये ब्लड प्रेशर सेंस किसने किया पहली बार, ये सेंस किया आपका वॉल ऑफ एट्रिया, और वॉल ऑफ एट्रिया व्हेन सेंस द हाई ब्लड प्रेशर इट रिलीज एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। क्या रिलीज करता है बेटा, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर मीन ANF ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। अब एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर क्या करता है, इट इज एक्चुअली ए स्ट्रॉन्ग वैसो डायलेटर, क्या है ये बताओ, ये एक वैसो डायलेटर। What is the meaning of vasodilator? अभी अभी आपने सुना होगा कि vasoconstriction कौन करता है बताइए, vasoconstriction करता है angiotensin 2, ठीक है, जो ब्लड वेसल को नैरो कर देता है। अब देखिए vasodilator क्या है, मानिए कि ये नॉर्मल क्या है बताइए, ब्लड वेसल है, ठीक है। तो इसके ऊपर आके जब क्या होता है, ये आपका ANF गिरता है ब्लड वेसल के ऊपर, तो ANF क्या करता है, ये ब्लड वेसल को क्या करता है, डाइलेट कर देता है, डाइलेट कर देता है बोले तो ये मोटा कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर से जो अमाउंट पे ब्लड जा रहा है वही ब्लड इसके अंदर से जा रहा है, ठीक है। तो किसमें अभी क्या होगा, ब्लड वेसल अगर इस तरह से मोटा हो गया, डाइलेट हो गया, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ, BP अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है, हाई ब्लड प्रेशर जब सेंस होता है तो बीपी को ये नॉर्मल कंडीशन में बैक करके लाता है, कौन बताइए, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, जिसके वजह से बीपी अगर नॉर्मल कंडीशन में आ गया तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। तो किडनी के ऊपर किडनी फंक्शन करने में क्या होता है, आसानी जाता है। दूसरा बात देखिए, मैंने अभी बताया था जो रेनिन रिलीज हुआ था जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर से, क्या रिलीज हुआ था, रेनिन रिलीज फ्रॉम वेयर, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर, ठीक है। तो ये ANF क्या करेगा, आके रेनिन का जो रिलीज है इसको क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक दे देगा, रेनिन को रिलीज करने में मना कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड में क्या है, अगर कोई रेनिन नहीं है तो एंजियोटेंसिनोजेन जो है ब्लड में, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, तो एंजियोटेंसिनोजेन नॉट कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, रेनिन ही क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एंजियोटेंसिन 2 इज ए स्ट्रॉन्ग वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, क्या है बताइए, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर,
डॉर, अभी आपको बताया मैंने, ठीक। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो क्या होगा, इसका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा, ये डायलेटेड ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, ये नैरो हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है तो अभी क्या करेगा, इसलिए एट्रियल नेटरी यूरेटिक फैक्टर रिलीज हुआ और ब्लड वेसल को क्या कर दिया, डायलेट कर दिया, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन में आ गया। दूसरा बात, ये क्या करता है, ये एट्रियल नेटरी यूरेटिक फैक्टर क्या करता है बताइए, रेनिन का जो रिलीज है ये स्टॉप करा देता है, बंद करा देता है। तो एंजियोटेंसिन नोजेन जो है ये कभी किस में, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा। एंजियोटेंसिन 2 में अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा बताइए, हाई नहीं होगा। और एंजियोटेंसिन 2 का अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पर कौन था, ये यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड था, एड्रिनल ग्लैंड से भी क्या रिलीज नहीं होगा, नो एल्डोस्टेरोन, यहाँ पर कोई एल्डोस्टेरोन है क्या, क्या एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन अगर रिलीज नहीं होगा तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल कॉन्ड्यूलेटरी ट्यूबुल विल बी स्लो, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है बताइए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करता है, नॉर्मल पोजीशन में पकड़ के रखता है, कौन, ANF मीन एट्रियल नेटरी यूरेटिक फैक्टर। तो ये क्या है, यहाँ पर हमने देखा था जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर क्या करता है, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या देखा, जो एट्रियल नेटरी यूरेटिक फैक्टर ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। तो ये जो दो सिस्टम है ANF एंड JGA, ये एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट है, इसलिए इस एक दूसरे को क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्टिक, क्या बोलेंगे बताइए, एंटागोनिस्टिक, ये बात याद रखना। तो इस तरह से किडनी फंक्शन मेंटेन करता है, कौन बताइए, बाई एट्रियल नेटरी यूरेटिक फैक्टर, बाई जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर एंड बाई एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, राइट। तो आई होप यू एंजॉय लॉट एंड इट मेक्स सेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, बाय बच्चों। और अगर आपको, आपका मन में कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं हर हाल में वो सॉल्व कर दूंगा आपको, राइट। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, बाय बच्चों।